सो गाइस देखिए, हमने रूम में रख दिया लैपटॉप और ड्रोन, ये भी रख दिया है। तो यहाँ पे हमारी आवेश हो रही है। तो अभी क्या सीन है भाई, अभी हम चलते हैं बांके बिहारी मंदिर और वृंदावन में थोड़ी बहुत चीज़ें करते हैं एक्सप्लोर। लास्ट का व्लॉग देखा है नहीं देखा वो कमेंट में ज़रूर बताना। उसमें लिए थे अच्छे अच्छे प्रेम मंदिर के ड्रोन शॉट, आपको कैसे लगे वो भी कमेंट में बताओ। और देखो, बंदा बाद में दिख रहा होगा लेकिन इसका पेट पहले दिख रहा है आप लोगों को, हंस रहा है। तो आव्या थोड़ा सा सो रही है, ये थोड़ा सा बैटरी चार्ज हो रही है इसकी, ये चार्ज हो रहा है, उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। सो गाइस, आव्या उठ चुकी है, देखो यहाँ थी, यहाँ से आव्या गायब हो चुकी है। आव्या को दिखाता हूँ, फिलहाल रूम को हम पैक कर देते हैं। भाई छोड़ो, मैंने जान ली है, हैं जान मना कर दिया। हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो ये रही चाबी, और आवो आवो चलें, राधे राधे। ए शर्मा आ गई। सो गाइस देखो, हम आव्या को लेकर आ चुके हैं नीचे अपने होटल से। हाँ वो बोल दो एक बार, राधे राधे हैं, बोल दो राधे राधे। पता नहीं क्या देख रही है, अभी देख रही है होटल की तरफ। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं भाई मंदिर की तरफ, हो सकता है पहले हम करेंगे नाश्ता। हाँ वो आपको कुछ खाना है, और हमने इसको भाई दूध बिस्किट खिलाया अभी। सो अभी ना भाई, हम अपने होटल से कर रहे हैं रिक्शा, और यहाँ से रिक्शे की सवारी कितनी होती है भाई? 20 रुपये सवारी होती है भाई, रिक्शे की सवारी हल्की हो भारी। तो अब वो हमने बैठा दिया है मम्मी के पास। राधे राधे। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो वृंदावन में ना सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा भाई ये है, मोटू नहीं, मोटू के जो पहना हुआ है चश्मा, मोटे वाला चश्मा, चश्मे का बहुत बड़ा खतरा रहता है वृंदावन में। अगर वृंदावन आओगे तो चश्मा संभाल के रखना। ये कपल के दोनों ही चश्मा लगा हुआ है, बचपन में हरी मिर्चें खा लेते तो आंखें सही नहीं रहती। और ये देखो, ये कितना अपने मजे में बैठी हुई है, देखो अपना जहाज उड़ा के, जहाज उड़ा। आ जाएंगे। चलो तो अभी हम ई रिक्शे की सवारी कर रहे हैं, आबू को भी करा रहे हैं, देखो अपना भारी जहाज उड़ा रही है उंगली से। सो गाइस, यहाँ पे हो रखी है बहुत ज्यादा भीड़, तो बाबू कहाँ गई? सो गाइस, अभी ना हम क्या सीन है हमारे साथ, हम गए भाई मंदिर के अंदर। वृंदावन में रश इतना है, इतना रश है भाई, दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो हमारे साथ थी बाबू, तो बाबू को हमने कैसे दर्शन कराया भाई, मैंने ना दूर से दर्शन करा दिए बाबू को, क्योंकि इतने रश में बाबू को लेके जाना बहुत दिक्कत थी, और वैसे ना इतना रश था कि इन तीनों के भी किसी के दर्शन नहीं हो पाए अच्छे से। हमने तो थोड़ा बहुत कर लिए, आई कांटेक्ट हो गए थे हमारे, अच्छा आई कांटेक्ट मेरे तो हो गए थे, लेकिन मैं ये नहीं, इसको नहीं ले आ सकता ना, भीड़ बहुत थी। कोई नहीं, जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, इसको हम दोबारा लेकर आएंगे। तो अभी हम यहाँ पे कुछ खा पी रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जोगल घाट, ठीक है, का पेड़, अच्छा, राधा दामदर, राधा रमन, प्रोफेसर महादेव, ठीक है, सोने का कपड़ा, रंगनाथ जी बोलते हैं। सो गाइस देख रहे हो, हम अभी इस जगह पे जाने वाले जो हमें भाई ने बताया। फिलहाल हम खाने पीने के लिए जहाँ पे रुके हैं, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ खाने पीने का। क्या हो गया? तो यहाँ अभी हम खा रहे भाई वृंदावन की स्पेशल कचौड़ी। सो गाइस देखिए, यहाँ पे हमने करा अपना नाश्ता, भाई ने नाश्ता बढ़िया तरीके से करवाया, और बाबू के लिए थोड़ी सी दही पैक करा रहे। चलो यार आओ भाई, मैं रिक्शा करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमने करा रिक्शा बंसीवट के लिए, तो अभी हम चलते हैं जरा बंसीवट। चलो चल बड़े भाई। भाई साहब ये तो बिंदी लगा के देखो, कितनी प्यारी सी लग रही है, हाँ मेरी छोटी। और ये देखो, मतलब गप्पू की कमी, अच्छा अच्छा सॉरी, बाबू को खिलाई जा रही है दही। बाबू घर है, जीप पूछने जाती है भाई, उसके हिसाब से खिला रही है, मैं ये अच्छा ला। तो गाइस अभी मैं, हमने रिक्शा कर लिया हमने पूरे दिन के लिए, हम जा रहे हैं बंसीवट, निधिवन, और एक दो जगह और है जो हमें ये भाई घुमाएंगे। भाई कहाँ कहाँ घुमाओगे? ओके, मदन मोहन जी, सबसे लास्ट में जाएंगे बलराम जी का टेम्पल, जो मदन मोहन जी। तो अभी क्या सीन, मदन मोहन जी बलराम जी का टेम्पल है? नहीं अलग है, सॉरी, उसके सबसे लास्ट में जाएंगे, मदन मोहन जी का जो टेम्पल है वहाँ जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले बंसीवट। वो भाई ने तो मेरे को आगे ही बैठा लिया है, और हमारी जो गोपू है वो बैठी हो, देखो तो वो पीछे बैठी है, मैं उतरने के बाद दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यार अभी ना क्या सीन है, पहले कौन से मंदिर आए भाई? गोपेश्वर महादेव। पहले हम आ गए गोपेश्वर महादेव। लाओ बैग दे दो भाई, ये देखो हम अपना ये रिक्शे, अपने रिक्शे को हम कैसे लाए सेफ्टी के साथ, ये देखो पूरा पर्दा वर्दा लगा के। सो गाइस अभी हम थे अंदर गोपेश्वर महादेव में, देखिए ये रहा मंदिर। तो अंदर फोन अलाउड नहीं होता है, तो हम अंदर फोन लेके नहीं जा रहे फिलहाल। आप लोग देखिए बाबू को, रबड़ी वो रबड़ी चाली।
तो गाइस देखिए, अभी हम हैं बंसीवट में, वृंदावन में। ये वही जगह है जहाँ पे पेड़ पे आप अपना कान लगाएंगे तो आपको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देगी। मुझे मैंने जब लगाया मुझे धक धक की आवाज़ सुनाई दी। सो गाइस, अगर आप लोग वृंदावन आते तो भाई बंसीवट भी ज़रूर आना। वृंदावन बांके बिहारी के टेम्पल के दर्शन करने, मंदिर के दर्शन करने के बाद भाई वहाँ से रिक्शा करो और बंसीवट आ जाओ। फिलहाल हमारी आव्य के अभी कान लगाए। आप उसे पूछ, आप वो आपको क्या आवाज़ सुनाई दी थी? धक धक सुनाई दिया, ढोल सुनाई दिया, बांसुरी, शर्मा गई। और गप्पू भाई तुम्हें क्या सुनाई दिया था? हार्ट बीट। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने अपनी चुन्नी बांधी हुई, कलावा बांधा हुआ है। किसी की कोई भी इच्छा हो तो यहाँ पे आप कलावा धागा या रस्सी, ये जो चुन्नी है ये बांध के अपनी विश भी पूरी कर सकते हैं। फिलहाल कैमरे को अंदर रखता हूँ क्योंकि इन भाई सब को खौफ बहुत रहता है। ये देखो नखरे दिखा रहा है। तो अभी हमें यहाँ से चल रहा है, हमारा रिक्शा वाला बाहर वेट कर रहा है। नहीं तो भी बोल लेना। नहीं, ब्लॉगर मैं हूँ, तू है? नो, बोल लेना। ओके, ब्लॉगर के फ्रेंड है हम। तो फ्रेंड हो तुम, वो नहीं हो, ब्लॉगिंग करोगे। लो 10 मिनट लगे कैमरा बोलो। क्या हुआ भाई साहब, बैक कैमरा बोल रहे हैं लेकिन मैं जब कैमरा स्टार्ट कर रहा हूँ तो चुप हो। हाँ, तुम्हारा और मेरा काम कैसे कर रहे हैं लोग? हाँ, मुक्का मार के इनके दांत तोड़ देंगे बिचुम। So guys, अभी हम जा रहे हैं राधा रमन। हम बंसीवट से निकल चुके हैं और भाई सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे बंदरों का। और एक हमारा क्यूट पिंक पांडा को बचा के कैमरे को जैसे जैसे तैसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ये देखो अंकल खिला रहे हैं बाबू को। ओए ओए ओए, क्या कर रहा है बेटा? छोट सो गाइस, ये था कुछ राधा रानी का मंदिर। हर जगह पे बहुत भीड़ है, जैसे तैसे बाबू को दर्शन करवा के बाहर तो लिया है। और यहाँ से जरा चलते हैं बाहर की तरफ। और लेटेस्ट अपडेट ऐसा है, हमारे जो ये भैया है ना, ये भैया गिरे कैसे भाई, तू ये बता दो एक बार। पता नहीं चला। अच्छा, और ये इनकी चाल देखो, पैंट तो तू घर से फटी हुई पहन के आया था बेटा। सो ये है राधा रानी मंदिर की एंट्री और हम बाबू को लेके बाहर तो आ चुके हैं। जैसे तैसे स्ट्रगल करके हमने दर्शन तो करवा दिए। पी लो। तो गाइस वापस हम नीचे तो आ गए हैं और भाई साहब यहाँ पे भी भीड़ की कमी नहीं है, शोर देखो भाई। ये देखो गाइस, अभी मंदिर के पास हम पहुंचे भी नहीं है, पेरेन मंदिर के पास, और भीड़ देखो कितने लोग जा रहे हैं। ये देखो हम भी जा रहे हैं भाई मंदिर की तरफ। बस पहुंच गए, बाबू को लेके तो मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। और सही है ना, छोटी सी उम्र में घूम रही है, घूमते रहना ठीक है आपको। और ये देखो भाई कितने सारे कान्हा जी हैं यहाँ पे, एक से एक भीड़। मतलब भीड़ का रीजन तो आता भाई यही है। ओ भाई साहब, आप प्रेम मंदिर छोड़ो, आप रस देखो भाई, क्या ही घूमने का मन करेगा बेटा इतना रस में, है ना? आपका मन करा इतनी भीड़ में घूमने का? कोई नहीं, चलो चलो सबके दर्शन कर लेते हैं। तो अभी मैंने इसको दिया इसकी मम्मी के पास, थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। सो यार वैसे देखो भाई प्रेम मंदिर कितना खूबसूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत है। देखो इसकी लाइटिंग देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार। तेरा क्यों मुंह बना हुआ है ऐसा? खच्चर आ गया। अच्छा, मुझे लगा खच्चर। तो अभी हम बाबू को ले रहे हैं चेस्ट बेल्ट में, तो चेस्ट बेल्ट लगा लेते क्योंकि कैरी करना बाबू को बहुत मुश्किल हो रहा है भीड़ में। वैसे तो मैं उठा लूंगा, कोई नहीं, डोले पंप हो रहे हैं तुम्हारे भाई के। पोपट हो गया बाबू, उसमें टिकी नहीं रही, रोने लग गई। आबू क्या हो गया था बेटा, क्या हो गया था? आबू दिना दिन था। तो भाई देखिए ये रहा हमारे पीछे प्रेम मंदिर। आबू हाय कर दो, हाय कर दो, कुछ तो कहना चाह रही है पर पता नहीं क्या कह रही है। भाई साहब अब तो हम फ्री हैंड हो गए, चलो भाई इसको लेके चलो आराम से। तो यार देखो प्रेम मंदिर में ना सबसे बड़ी एक दिक्कत क्या है, आप लोग फोटो नहीं खिंचवा सकते, फोटो खिंचाते लोग आ रहे हैं जा रहे आ रहे हैं जा रहे हैं। फिलहाल हमारी आवे ना यदि पूरी पैक हो रखे, तो फिलहाल सबसे मेन बात अपने रूम की तरफ चलते हैं यार, इस ब्लॉग को एडिट करते हैं और कल निकलेंगे दिल्ली की तरफ। सो गाइस देखो अभी क्या हुआ, प्रेम मंदिर में थे और बाबू हमारी सो गई है, तो नेहा को और मैं गप्पू को पीछे छोड़ आया हूँ।
और हम जा रहे हैं वापस होटल की तरफ, सिर्फ मैं और आव्या। तो ये सो गई है, तो हम वापस जल्दी से चलते हैं रूम की तरफ, क्योंकि इसको पैक करेंगे और सुबह की पैकिंग करेंगे अब। सो गाइस फाइनली अपने रूम की तरफ तो हम आ चुके हैं, और इसको मैं फटाफट लेटा देता हूँ ज़रा। चल बेटा तेरे को मैं लेटाऊँ, और रूम की हालत देखो। और यार देखो, अगर वृंदावन आना है तो मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा भाई। अपना दिमाग सेट करके आना कि आपको रश ज़रूर मिलने वाला है, बहुत रश है, बहुत रश। हालांकि ऑफ सीज़न है, लेकिन ऑफ सीज़न में भी बहुत रश है भाई।